नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल हेल्पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1512 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन पास और ITI इलेक्ट्रीशियन में या लाइनमैन में या SBA में या वायरमैन में या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 28 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST BC MBC EWS PH को 1000 रूपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 1200 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है वर्कमैन ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 200 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस, फिटिंग, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, MCO, HEM मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ब्लास्टर और QCA है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 8वीं या मैट्रिकुलेशन या ITI वेल्डिंग में या फिटर में या मैकेनिस्ट में या मोटर मैकेनिक में या डीजल मैकेनिक में या ऑटो इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रिकल में या ब्लास्टर में या माइनिंग मेट में या फर्स्ट एड में या ब्लास्टिंग ऑपरेशन में या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर्स डिग्री केमिस्ट्री या जूलॉजी में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 150 रूपए, SC ST PHE XSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 2 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nmdc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 48 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 750 रूपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 25 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी NCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 20 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास PhD केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में या पॉलीमर इंजीनियरिंग में या मटेरियल साइंस में या मटेरियल इंजीनियरिंग में या मटेरियल साइंस या केमिस्ट्री और वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को 100 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 10 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ncl.res.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1289 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो पुरुषों को 18 से 35 साल का होना अनिवार्य है। वहीं महिलाओं के लिए 18 से 38 साल का होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 100 रूपए, SC ST PH को 50 रूपए देने होंगे। आखिरी तारीख 8 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 156 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होना अनिवार्य है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फोरेंसिक मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन या स्किन डिजीजेस या सर्जरी या अस्थि डिजीज, आईज डिजीज, निश्चेतना, ENT, वुमेन एंड डिलीवरी, इन्फेंट डिजीज, रेडियोथेरेपी, इमरजेंसी मेडिसिन, साइकियाट्री, TB एंड चेस्ट, स्टेटिस्टिकियन, एपिडेमोलॉजिस्ट, फार्मास्यूटिकल,
केमिस्ट्री रेडियो डायग्नोसिस होना अनिवार्य है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MGMS DNB रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 25 से 35 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उन्हें 300 रुपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 25 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डेंटल सर्जन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 44 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी BDS या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उन्हें 300 रुपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 11 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन WBPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। एग्जाम का नाम है वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 36 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास BCOM या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 36 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 210 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 27 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.wbpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एक्साइज कांस्टेबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 583 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST जो सिर्फ झारखंड के रहने वाले हैं उन्हें 50 रुपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 26 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्पेशलिस्ट डॉक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 207 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें मेडिसिन फिजिशियन ENT सर्जन ऑप्थेमोलॉजी डर्मेटोलॉजी और साइकियाट्री है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MD DNB MS रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 55 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST महिलाओं को 250 रुपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 100 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास BE या BTEC या BArc या BCA या BSc या BBSc मिनिमम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 26 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 500 रुपये, SC ST महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.iisc.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर लोअर डिवीजन क्लर्क टेक्नीशियन फॉरेस्ट गार्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 42 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट्री में या फिर 10+2 पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना जरूरी है। वहीं मैट्रिकुलेशन ITI रेलेवेंट ट्रेड में होना जरूरी है या फिर कक्षा 10वीं पास होना या 12वीं पास होना साइंस के साथ बहुत जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR EWS OBC को 1300 रुपये, SC ST PWD और महिलाओं को 800 रुपये देने होंगे। आखिरी तारीख 9 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप TFRI.ICFRE.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।